राशन कार्ड में कोई भी जानकारी को घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अपडेट किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि अपडेट करने से पहले सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को जुटा लें। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, खासकर एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार बड़े स्तर पर इन कार्ड्स के जरिए अनाज वितरण का काम कर रही है, ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इसके अलावा भी कई सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे में ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेट रहें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार ने बन राशन कार्ड लागू करने का ऐलान किया है। इसके लागू हो जाने के बाद कोई भी राशन कार्ड होल्डर देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेगा। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर राशन कार्ड में किसी फैमिली मेंबर का नाम छूट गया है तो उसे घर बैठे कैसे अपडेट करें। राशन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस कार्ड में घर के किसी बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुखिया का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। इसकी एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड भी होना चाहिए। अगर घर में शादी के बाद आई बहू का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है तो इसके लिए आपको महिला का आधार कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र, पति के राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। इसके अलावा पहले माता पिता के घर में जो राशन कार्ड था उसमें से नाम हटाने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। राशन कार्ड में कोई भी जानकारी अपडेट कराने के लिए संबंधित राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पहली बार इस वेबसाइट पर आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होगी, जो कि कुछ मिनटों में ही पूरा हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको नए सदस्य का नाम जोड़ने का विकल्प होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको परिवार के नए सदस्यों की पूरी जानकारी सही सही भरनी होगी। अगले स्टेप में इस फॉर्म के साथ आपको सभी उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके द्वारा आप इसी वेबसाइट पर लॉगिन कर फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। इस फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को अधिकारी वेरीफाई करेंगे। अगर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पोस्ट के जरिए आपके पते पर राशन कार्ड भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी बस यहीं तक। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल फुल जॉब अपडेट को सब्सक्राइब करें। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।